हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज बाहर बहुत बढ़िया बरसात हो रही है। सावन का महीना जो है, इस महीने उत्तराखंड में हम कुछ विशेष व्यंजन बनाते हैं। आज मैं आपके साथ स्वाले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हम अक्सर इन स्वालों को किसी भी स्पेशल ओकेजन पर या त्यौहार पर बनाते हैं। आप इनको ऐसे भी कभी भी बना सकते हैं। खाने में बहुत बढ़िया लगते हैं और हाँ, ट्रैवलिंग के टाइम पर बहुत ही बढ़िया नाश्ता रहता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक कप सतरंगी उड़द या झलेंगी ले लीजिए। इसको हम धो लेते हैं, इसको भिगाने की ज़रूरत नहीं। इस दाल को प्रेशर कुकर में डालें, दो कप पानी डालें, आधा चम्मच नमक डालें और अब हम इसको 10 मिनट तक प्रेशर कुक कर लेंगे। देखिए, प्रेशर कुकिंग के बाद ये दाल बिल्कुल मुलायम हो गई है। दाल को छानकर एक बर्तन में रख लेते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। ये दाल बिल्कुल सूखी होनी चाहिए और इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। एक चम्मच कद्दूकस कीवी अदरक ले लीजिए। इसमें 8 से 10 कली लहसुन की डालें, दो हरी मिर्च भी डालें। अब हम इसमें अपनी दाल डाल लेंगे। आप चाहें तो इस दाल को मिक्सी में पीस सकते हैं। हम इसको अपने सिलबट्टे में पीसेंगे। थोड़ी थोड़ी कर हमने इस दाल को सिल में पीसना है। पीसते वक्त इसमें कोई पानी नहीं डालना, इसको ऐसे ही सूखा पीसना है। इसमें उड़द की तरह चिकनाहट नहीं होती। देखिए, मेरी दाल बिल्कुल महीन पिस गई है। इसमें मैं अब कटा हुआ हरा धनिया डालूंगी। यदि आपको लगे तो स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डालें। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अपना आटा तैयार करते हैं। एक परात में 2 कप आटा ले लीजिए। इसमें आधा चम्मच नमक डालें, 1 चम्मच गाय का घी डालें। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस आटे को गूंदने में हमको करीब 1 कप पानी लगेगा, तो थोड़ा थोड़ा कर इसमें अब पानी डालें। आटे को हल्के हल्के कर हम इकट्ठा करते रहेंगे। आटा गूंदते वक्त आपका पानी रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। हमें ये आटा सॉफ्ट चाहिए, पूरी की तरह टाइट नहीं चाहिए। मेरा आटा इकट्ठा हो गया है और अब हम इसको गूंद लेते हैं। देखिए, अच्छा आटा गूंदने की पहचान होती है कि आपका बर्तन अपने आप से साफ दिखने लगता है। जब उसमें ग्लूटेन बढ़िया डेवलप हो जाता है तो आटा चिकना हो जाता है और आपका बोल बिल्कुल साफ दिखता है। साफ बर्तन अच्छे गूंदे हुए आटे की पहचान है। इस आटे को एक साइड में रख लीजिए और थोड़ा सूखा आटा ले लेते हैं। अब हम 1-1 इंच के आटे के गोलियां बनाएंगे। 1 इंच आटा हाथ में ले लीजिए और इसको हाथ में घुमाकर बिल्कुल स्मूथ गोली बना लीजिए। ऐसे ही बाकी गोली भी बना लीजिए। अब एक आटे की गोली में सूखा आटा लगाएंगे, इसको हाथ से हल्का दबा दीजिए। इसको हम करीब 4 इंच नाप का बेल लेते हैं। इस बिली हुई रोटी को हाथ में ले लीजिए और अब हम इसमें करीब 1.5 से 2 चम्मच पिसी हुई दाल का मसाला डालेंगे। इस मसाले को हल्का हल्का नीचे की तरफ दबाएं और आटे को हाथ की मदद से थोड़ा ऊपर लेकर आएं। धीरे धीरे कर ये मसाला नीचे की तरफ चला जाता है और आटा ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसको मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे इसको बंद कर लीजिए। इसको दोनों हाथ के बीच में अब थोड़ा दबा लेते हैं। इस पर थोड़ा सूखा आटा लगाएं और अब इसको अपने हाथ से थोड़ा और दबा लीजिए। इससे इसके अंदर का दाल का मसाला सब जगह अच्छी तरीके से बराबर फैल जाएगा। इसको अब हम करीब 6 इंच का बेल लेते हैं। आप हल्के हाथ से बेलें ताकि दाल का मसाला बाहर ना निकले। एक और बार कर दिखाती हूँ। आप आटा ले लीजिए, उसकी 4 इंच की गोली बना लीजिए।
इसमें अब हम अपना दाल का मसाला डालेंगे और हल्का हल्का दबाकर इसको बंद कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें लोबिया या तोर की दाल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दोनों हाथ के बीच में अब थोड़ा दबा लेते हैं। इससे इसके अंदर का दाल का मसाला सब जगह अच्छी तरीके से बराबर फैल जाएगा। इसको अब हम 6 इंच का बेल लेते हैं। जब आप इसको बेल लेते हैं तो इसमें आटे की परत बिल्कुल हल्की रह जाती है और दाल का मसाला हल्का दिखाई देने लग जाता है। यदि आप दाल कम भरेंगे तो ये ऐसा नहीं दिखाई देगा। एक कढ़ाई में हम तेल गरम कर लेते हैं। जैसे ही लगे तेल गरम हो गया, एक छोटी सी आटे की गोली डालें। ये आटे की गोली धीरे धीरे कर ऊपर आ जानी चाहिए। इसका मतलब हमारा तेल बिल्कुल गरम हो गया है। इसमें हम अपने स्वालों को डाल देते हैं। ठंडे तेल में डालेंगे तो ये स्वाले बहुत तेल पी जाते हैं। हम इनको एक एक कर कर ही तलेंगे। इसको हल्के हल्के हाथ से दबाएं ताकि ये अच्छे से फूल जाए। जैसे ये फूल जाता है आप इसको पलट सकते हैं। एक मिनट बाद इसको हम दोबारा पलट लेते हैं। देखिए ये बिल्कुल बढ़िया गोल्डन ब्राउन हो गया है। जब ये दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसको निकाल सकते हैं। एक स्वाले को बनने में करीब 2 मिनट लगते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे स्वाले भी तल लेते हैं। मेरे स्वाले बिल्कुल बनकर तैयार हैं। इन स्वालों को आप अचार के साथ या प्लेन ही खा सकते हैं। देखिए एक तोड़कर दिखाती हूँ। इसमें आटे की परत बिल्कुल पतली है और अंदर दाल का मसाला बहुत बढ़िया भरा हुआ है। यही अच्छे स्वाले की पहचान है। ये हमारे उत्तराखंड की एक सिंपल सी रेसिपी है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा।